सोशल एक्सक्लूजन ए केस स्टडी ऑफ हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और अपने भाई चांसलर और अपने प्रिंसिपल पे ही बोलूंगा और लगातार मैं बोलता रहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं होता और मैं दावे के साथ ताल ठोक के कह सकता हूँ चाहे सामने जितना बड़ा तानाशाह हो, हाउ डेयर। लेकिन अभी जो रिजीम है वो निर्लज मर्यादाविहीन रिजीम है और हर इंस्टीट्यूशन में अमूमन छोटा रिचार्ज मोदी और अमित शाह का बैठा हुआ है, छोटा रिचार्ज, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे कहीं भी हो। अब ऐसी स्थिति में मुझे पता है कि भाई तुम तो ऐसे मानने वाले नहीं हो, तो मेरे लिए रोना गाना इम्पोर्टेंट नहीं है, तबीयत से आपका रिबटल करना जरूरी है। प्रथाएं कई बार इतनी मजबूत हो जाती हैं, उनको घर से ही ये ट्रेनिंग दिया जाता है, सोशल एक्सक्लूजन करने का ट्रेनिंग घर से ही अमूमन दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं घर अगर प्राथमिक पाठशाला है तो इट इज अ बैड पाठशाला। जब लड़ना ही है तो हर दिन लड़ो, पब्लिक डोमेन में जाकर बोलो। अभी सुप्रीम कोर्ट है कि हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, आपसे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अगर आप समझते हैं कि आपके सस्पेंशन और टर्मिनेशन से रतनलाल डरता है तो आप ये मुगालते में नहीं रहिए, कंफ्यूजन हटा दीजिए। अभी तो समाज से मैंने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, जिस दिन मांग दूंगा तो जितनी आपकी तनख्वाह है उससे चार गुना जब मुझे महीने का लोग दे के जाएगा, क्योंकि जानता है कि 25 साल से जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मेरी व्यक्तिगत निजी लड़ाई नहीं है, आपसे नजर में नजर मिला के बात करता हूँ और आपसे कम सफेद मेरे शर्ट नहीं, आपसे कम लिखता पढ़ता नहीं, आपसे कम बोलता नहीं, तो आपके दिमाग और पेट में जो मरोड़ है ना वो मैं समझता हूँ और जब तक जीवित हूँ ये मरोड़ आपको बढ़ा कर रखूंगा। किसी फर्जी मोनिका नाम की चिट्ठी लेकर और बाय चांसलर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, वहां से चलते हुए चेयरमैन प्रिंसिपल हमको शो कॉज नोटिस करता है और शो कॉज नोटिस का 5 पेज में मैंने जवाब दिया, उसके बाद आज तक नजर नहीं आया कहाँ गया बाय चांसलर, कहाँ गया प्रिंसिपल। मिनिमम होता है कम से कम पता तो कर लेते हैं, एफिडेविट तो ले लेते हैं। 50 चिट्ठियां हमने लिखी होंगी 50 बाय चांसलर को और प्रिंसिपल को, किसी का जवाब नहीं आता है। लेकिन एनोनिमस कोई चिट्ठी आया है तो मुझे शो कॉज भेजता है, हमने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर मेरे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लगा दिया। बोले आ जाओ भाई, किसी बहन जी को मैंने छेड़ा तो नहीं अब तक, मेरा बहुत ही सॉलिड रिकॉर्ड है, एक्टिविस्ट हूँ, लड़ाका हूँ, बोलता हूँ, लेकिन मैंने किसी को छेड़ा तो है नहीं। पूरा प्रोसीडिंग मैंने फेस किया अकेले, बोले कि मुझे लगा कि जरूरत नहीं, मैं खुद ही आर्ग्यू करूँ। कमिटी जो इंटरनल कमिटी होती है क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ICC, हाँ, तो उसका मैंने पूरा कमिटी फेस किया और आज तक उसका रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आया। कई बार लिख के दे चुका हूं, जरा रिपोर्ट तो दो मुझे ना, रिपोर्ट दोगे तो उल्टा केस भी करेंगे ना। शुक्रिया आप सभी का, प्रेम, दिनेश जी, वीरेंद्र जी और पुराने कई साथी यहाँ दिख रहे हैं। पिछली बार जब इस कॉलेज में आया था तो फॉर्मर वाइस चांसलर दिनेश सिंह यहाँ मेरे साथ थे, मॉर्निंग कॉलेज में आया था, गांधी अंबेडकर एजुकेशन पर था वो सेशन, तो उन्होंने कहा कि रतन अच्छा बोलते हो, तो मैंने कहा जब वाइस चांसलर थे उस समय याद करना चाहिए था, हटने के बाद बोलने से क्या भैया। सरकारी संस्थाएं और खासतौर से वैसी संस्थाएं जो सरकार परस्त है मुझे बुलाने से हिचकती है, क्योंकि सरकार और व्यवस्था की नज़र में आई एम नॉट अ गुड मैन, आई एम नॉट, आई एम अ ट्रबल मेकर एंड आई लव दिस रेपुटेशन। मुझे अच्छा लगता है कि सरकार की नज़र में मैं अगर अच्छा नहीं हूँ और अथॉरिटीज की नज़र में अच्छा नहीं हूँ, इसका मतलब मैं ठीक ठाक कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज नोबडी किक्स अ डेड हॉर्स। तो मुझे अब इतना बड़ा टॉपिक है लेकिन उसको मैं केस स्टडी बना देता हूँ, सोशल एक्सक्लूजन ए केस स्टडी ऑफ हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और अपने भाई चांसलर और अपने प्रिंसिपल पे ही बोलूँगा और लगातार मैं बोलता रहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं होता है और मुझे लगता है किसी को डराना है डराने क्या फर्क है, तो क्योंकि एक्सक्लूजन पे बहुत बात होती है, कथाओं पे, कहानियों पे रो रहे हैं, पिट रहे हैं,
अभी एक जम्मू का प्रोफेसर सुसाइड किया दलित, अब तो प्रोफेसर लोग कर रहे हैं, दशरथ सोलंकी का मामला है, तमाम ऐसे लोग, अब बहुत सारे रिपोर्टेड केस नहीं, लेकिन मेरे लिए जो है एट्रोसिटीज तो चलेगा, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिबटल कैसे करते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अगर आप सर झुका लिए तो समझिए आप हार चुके हैं। सो अंबेडकर जितना मैंने पढ़ा है और जितना समझा है, अंबेडकर नामा चैनल के बारे में प्रेम ने अभी बताया, तो मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ है। और मेरे सुपरवाइजर, मेरे टीचर डी एन जहाज श्रीमाली जैसे हिस्टोरियन हैं, और उन्होंने मुझे सवाल करना सिखाया, मेरे छात्र को अभी भी क्लास में सवाल करना ही सिखलाता हूँ। हिस्ट्री जो है बगैर सवाल के बनता नहीं, वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट भक्तास, वी वॉन्ट टू क्रिएट थिंकिंग माइंड। तो सवाल पूछना है, और मैंने जितना पढ़ा है अपने गुरुओं से, अम्बेडकर से सीखा है, मेरा कन्विक्शन और स्ट्रांग हुआ है, और मैं दावे के साथ ताल ठोक के कह सकता हूँ, चाहे सामने जितना बड़ा तानाशाह हो, हाउ डेयर यू, ये कह सकता हूँ, इतनी हिम्मत है। तो मैं शुरू करता हूँ, व्हेन अंबेडकर मेट गांधी। तो अंबेडकर ने गांधी से कहा, मिस्टर गांधी आई हैव नो होमलैंड, 90 साल पहले। अगर आज मुझे कहना हो, और मैं वैसे लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो व्यवस्था में सरेंडर कर चुके हैं और प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल रहते हुए भी बगैर रीढ़ के हैं, बगैर दिमाग के, जो व्यवस्था के साथ लड्डू समोसा में, उनकी बात नहीं कर रहा, जो थिंकिंग माइंड है उसकी मैं बात कर रहा हूं, कि क्या वैसे लोगों के हाफ होमलैंड है कि नहीं। मैं समझता हूं कि 90 साल बाद भी कैसे वी हैव हाफ होमलैंड, नॉट फुल होमलैंड, और फुल होमलैंड के लिए मुझे लगातार लड़ना पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा। जब पुणे पैक्ट की बात चल रही थी, तो गांधी ने कहा अंबेडकर से कि अंबेडकर मुझे 5 वर्ष दो, ऐसा भारत सरकार ने जो किताब छापी उसी से कह रहा हूं, राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, कि 5 वर्ष मुझे दो, हिंदू को मैं सुधार दूंगा, हिंदू सुधर जाएंगे। 90 साल में दावे के साथ कह सकता हूं 95% हिंदू, खासतौर से जो बड़े पोजिशन पर हैं, जो पावर होल्ड करते हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे। तो नहीं सुधरेंगे तो आखिर उसका जवाब क्या है, सरेंडर करना? मैं समझता हूं नहीं। और मैं सोशल एक्सक्लूजन कैसे काम करता है, मैं हिस्ट्री का छात्र हूं तो मुझे पता है। बचपन में जब साइकिल, जब दोस्त से लड़ाई होती थी, नहीं जीतते थे तो पिन लेके साइकिल पंचर कर देते थे। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, एट्रोसिटीज के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि 2014 के पहले पूरे घी की नदियां बह रही थी, जहां बाघ और बकरी एक साथ पी रही थी, उस समय भी दिक्कत था। और हम लोग, जो हमें जानते हैं, 30 साल से हमारा रिश्ता है दिल्ली विश्वविद्यालय से, 5-6 साल स्टूडेंट रहा और 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, पहले भी प्रॉब्लम था, एंड फॉर दैट हम लोग लगातार लड़ते रहे, चाहे कोई भी वाइस चांसलर हो, कोई भी सरकार रहे। मैं जयराम रमेश साहब के साथ एक बुक डिस्कशन में था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, अभी 2-3 दिन पहले, मैंने कहा कि सरकार आपकी भी थी, हम लोग उस समय प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन इतनी शर्म हया और मर्यादा लाज थी कि आपका प्रमोशन नहीं रुकेगा, आपको छुट्टी सैंक्शन कर देगा। मैं तो 10 से 14 में स्टडी ली पे रहा पीएचडी के लिए, कभी प्रमोशन नहीं रोका गया, कभी छुट्टी नहीं रोकी गई। लेकिन अभी जो रिजीम है वो निर्लज्ज मर्यादा विहीन रिजीम है, और हर इंस्टीट्यूशन में अमूमन छोटा रिचार्ज मोदी और अमित शाह का बैठा हुआ है, छोटा रिचार्ज, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे कहीं भी हो। अब ऐसी स्थिति में मुझे पता है कि भाई तुम तो ऐसे मानने वाले नहीं हो, तो मेरे लिए रोना गाना इम्पोर्टेंट नहीं है, तबीयत से आपका रिबटल करना जरूरी है। और एग्जांपल, मैंने केस स्टडी ऑफ हिंदू कॉलेज क्यों कहा, इसलिए कहा कि मैं हिंदू कॉलेज में 2000 से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले 3 साल मैंने जाकिर हुसैन इवनिंग में पढ़ाया, 2000 से 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, 14 में रिजीम बदलता है, और कैसे कैसे सोशल एक्सक्लूजन होता है, कैसे कैसे आपको टॉर्चर किया जाएगा, उसके एग्जाम्पल्स कुछ देना चाहता हूँ। और इसलिए नहीं कि कोई सिंपैथी के लिए, कि हम सिंपैथी या नो,
मेरे लिए तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि तुमको रिबटल कैसे देना है, ये इसमें मैं मजा लेता हूं कि अगर मैं हार गया, मैं तीन कोट आपके सामने अंबेडकर के पेश कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, ये किसी हिंदू से पूछो, ये किसी अस्पृश्य के जीवन में सुधार आ रहा है, कपड़े अच्छा पहनता है, खाना अच्छा खाता है, कोई प्राधिकार वाला पद उसको मिल जाता है, अच्छा मकान बनवाता है, तो उस हिंदू को क्या दिक्कत है? तो बोलेगा कि जिसे आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के प्रति विद्रोह है। और धर्म की जड़ें कहाँ हैं? शास्त्रों में, स्मृतियों में, मनुस्मृति, मनुस्मृति के हिसाब से जो अनटचेबल है उसका खाना क्या होना चाहिए? टूटे बर्तन होने चाहिए, ब्लैक मेटल होना चाहिए, जो लास्ट के बचे कपड़े होते हैं वो होने चाहिए। तो आप तो सोचेंगे कि ये लोग मनुस्मृति पढ़ता नहीं है, तो पढ़ता नहीं इसका मतलब नहीं जानता नहीं है। प्रथाएं कई बार इतनी मजबूत हो जाती हैं, उनको घर से ही ये ट्रेनिंग दिया जाता है, सोशल एक्सक्लूजन करने का ट्रेनिंग घर से ही अमूमन दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि घर अगर प्राथमिक पाठशाला है तो इट इज अ बैड पाठशाला, कि जहां पे बच्चे को दिमाग में जहर फैला जाता है, किसके साथ बैठना है, कौन जात है, कौन धर्म है। तो ये घर से आप ईमानदारी से सोचिए अपने घर में जाके कि ये बात होती है कि नहीं। तो दूसरी बात जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि ज्यादातर पुलिस प्रशासन अधिकारी मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होते हैं, खाली भ्रष्ट ही हो तो कोई बात नहीं चलेगा, भ्रष्ट को तो कोई भी खरीद सकता है, हम भी खरीद सकते हैं, लेकिन भ्रष्ट होने से ज्यादा वो पक्षपातपूर्ण होते हैं, बायस्ड होते हैं। और जब भी उनको अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना होता है, अपने जाति के पक्ष में उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने जाति के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसा सेकेंडरी हो जाता है। उसमें सारे सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं है, वो बायस्ड भी है। और ये सब थ्योरेटिकल लाइन इसलिए दे रहा हूं कि मैं जब सब्सटेंशिएट करूंगा एग्जांपल से तो आप समझ जाए। तीसरी लाइन, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। नौकरी क्यों कर रहा हूं? क्या प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हो क्या? जब आप में आत्मसम्मान स्वाभिमान ही नहीं है प्रोफेसर हो के, तो होना ना होना बेकार ही है, होना ना होना बेकार है। इसलिए मैं समझता हूं जहां वाइस चांसलर, होम मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, थाना प्रिंसिपल सब मिला ही हुआ हो, सब मिला हो, तब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? दो ही ऑप्शन है, या तो बहुत लोग सुसाइड करते हैं जिसके मैं खिलाफ हूं, बहुत लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं उसके मैं खिलाफ हूं। जब लड़ना ही है तो हर दिन लड़ो, पब्लिक डोमेन में जाकर बोलो। अभी सुप्रीम कोर्ट है और मैं तो इस मंच के माध्यम से चेतावनी भी दे रहा हूं और सजेस्ट भी कह रहा हूं कि हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, आपसे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अगर आप समझते हैं कि आपके सस्पेंशन और टर्मिनेशन से रतनलाल डरता है, तो आप ये मुगालते में ना रे कंफ्यूजन हटा दीजिए, ना आपसे डरता हूं और ना झुकूंगा। अरे अभी छोटा सा चैनल है, 50 लाख रुपया इकट्ठा करके तो एक बच्चा को लंदन पढ़ा दिया, 25 लाख रुपया दिया पढ़ने के, एक को जर्मनी पढ़ाया, एक को कलकत्ता पढ़ाया। अभी तो समाज से मैंने अपने लिए कुछ मांगा नहीं, जिस दिन मांग दूंगा तो जितनी आपकी तनख्वाह है उससे चार गुना जब मुझे महीने का लोग दे के जाएगा, क्योंकि जानता है कि 25 साल से जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मेरी व्यक्तिगत निजी लड़ाई नहीं है, और मेरे साथ जो होता है वो एट्रोसिटीज, वो मेरे पिताजी की जमीन की लड़ाई नहीं है। चूंकि मैं आपसे नजर में नजर मिला के बात करता हूँ और आपसे कम सफेद मेरे शर्ट नहीं, आपसे कम लिखता पढ़ता नहीं, आपसे कम बोलता नहीं, तो आपके दिमाग और पेट में जो मरोड़ है ना वो मैं समझता हूँ, और जब तक जीवित हूं ये मरोड़ आपको बढ़ा कर रखूंगा। अब आता हूं पॉइंट पर। 2014 में मोदी सरकार आती है और ये मेरी किताब है, पहली किताब, और कितने रोहित, और इसमें उस समय अखबारों में या सोशल मीडिया पे डिफरेंट डिजिटल फोरम्स पे मैं जो लिख रहा था, 6 महीने लिखा होगा मैंने 16 में रोहित बुमला के समय, और उसका कलेक्शन किया था 200 पेज हो गए, तो मैंने सोचा कि इसको किताब के फॉर्म में डालेंगे। तो ये मेरी पहली किताब है, इसमें एक चैप्टर है उसका नाम है मोनिका पुराणी, तो शायद आप कॉलेज में नहीं होंगी उस समय, कि आप आएंगे कॉलेज में तो हमारे घर पे आएंगे तो बहुत खंडहर सा घर था, और वीरेंद्र जी आए हैं कई बार, उसको मैंने ठीक ठाक अपने से करके बहुत थोड़ा लेविश आलिशान बनाया है, क्योंकि
जिससे कि आपके नजर में चुभन होता रहे लगातार। अंबेडकर स्टैचू भी लगा हुआ है। तो किसी तरीके से जब नहीं जीता तो क्या करता है, देखिए इतना कितने बुद्धि विहीन भी है, अभी मुकदमा नहीं लड़ा इसलिए आइडिया भी नहीं, किसी फर्जी मोनिका नाम की चिट्ठी लेकर और बाय चांसलर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, वहां से चलते हुए चेयरमैन प्रिंसिपल हमको शो कॉज नोटिस करता है और शो कॉज नोटिस का 5 पेज में मैंने जवाब दिया, उसके बाद आज तक नजर नहीं आया कहाँ गया बाय चांसलर, कहाँ गया प्रिंसिपल। मिनिमम होता है कम से कम पता तो कर लेते हैं, फिर रिपीट तो ले लेते हैं। 50 चिट्ठियां हमने लिखी होंगी 50 बाय चांसलर को और प्रिंसिपल को, किसी का जवाब नहीं आता है, लेकिन एनोनिमस कोई चिट्ठी आया है तो मुझे शो कॉज भेजता है, हमने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर, चाहे जो भी करोगे क्या भाई, सस्पेंशन टर्मिनेशन से ज्यादा तुम्हारे पास है ही क्या, अब इतना आसान थोड़े ये करना। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से, जैसे पहले असुरों के वध के लिए देवियों का इस्तेमाल होता था, पूरे आप मिथकों में जाएं और धर्मशास्त्रों में जाएं तो वध के लिए कुछ नहीं हो सकता है तो अप्सराओं का इस्तेमाल करके उसका वध किया जाता, वही मैंने आर्टिकल इसमें लिखा मोनिका पुराण और पूरा मिथक से मैंने जोड़ा है कि कहां से ढूंढ लाए, कम से कम उसको हिंदी में तो लिखना ठीक से आता, वही नहीं लिखा हुआ है। और 14 से मोदी रिजीम के बाद 16 में आइए, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मैं अमूमन वीकेंड में बाहर ही रहता हूं, कहीं ना कहीं मेरा लेक्चर और प्रोग्राम होता है, मैं कहीं बाहर था, मेरे घर के सामने कूड़ादान खुदवा दिया, मैंने कहा कोई ब्राह्मण टीचर होता तो तुम्हारी औकात होती करने की, है होती तो बताओ, और उसमें कंपोस्ट पिट लिखा हुआ है जाली फर्जी, उसमें से 1 ग्राम कंपोस्ट आज तक नहीं निकला होगा, उसको मैंने खुद से कवर कराया और फिर लॉकडाउन में फिर बैठिए बैठिए ठंडा नहीं हुआ, फिर उसको रेनोवेट किया पूरा कवर करके। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप नहीं जीत रहे हमसे, नहीं बहस कर सकते हैं, तो ये सब आप ये सब दिस आर दी फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन, आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करें। When I protested, मेरे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लगा दिया, बोले आ जाओ भाई, किसी बहन जी को मैंने छेड़ा तो नहीं अब तक, मेरा बहुत ही सॉलिड रिकॉर्ड है, एक्टिविस्ट हूँ, लड़ाका हूँ, बोलता हूँ, लेकिन मैंने किसी को छेड़ा तो है नहीं, पूरा प्रोसीडिंग मैंने फेस किया अकेले, बोले कि मुझे लॉयर की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आर्ग्यू करूँ, कमिटी जो इंटरनल कमिटी होती है ना, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ICC, हाँ, तो उसका मैंने पूरा कमिटी फेस किया और आज तक उसका रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आया, कई बार लिख के दे चुका हूं, जरा रिपोर्ट तो दो मुझे ना, रिपोर्ट दोगे तो उल्टा केस भी करेंगे ना, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं। आजकल प्रोफेसर कॉलेज में बनने का पूरा चलन है, पूरा सब जगह बन रहे हैं, कैन यू इमेजिन, 10 किताबें लिखने के बाद, मतलब 10 एडिटेड ट्रांसलेटेड ऑथर, 10 बुक्स, 14 रिसर्च पेपर, कम से कम 80 different parts ऑफ द कंट्री यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने के बावजूद 5 साल से मेरा सबसे पहला एप्लीकेशन गया है 26 अक्टूबर 2020, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन, और आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है, इसका कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं। 5 साल से सेबेटिकल लीव मांग रहा हूं और वो भी मेरा PhD है नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के ऊपर, 6 किताबें पब्लिश कर चुका हूं, राकेश जी यही पॉलिटिकल साइंस यही पढ़ाते हैं, बार बार पार्लियामेंट में काशी प्रसाद जायसवाल रटते रहते हैं, लेकिन इस सरकार में राष्ट्रवादी इतिहासकार पे काम करने के लिए अगर सेबेटिकल लीव मांगू तो सेबेटिकल लीव नहीं मिलता, 5 साल हो गए, 5 years, 10 किताब लिख के मैं प्रोफेसर नहीं हो सकता, तो क्या चाहते हैं, मैं VC से भी मिला था, अभी जो VC है क्या नाम है इनका, योगेश सिंह, अब राष्ट्रपति के नॉमिनी है संजय पासवान, बोले तुम क्यों झगड़ा करते रहते हो सब, लेकिन झगड़ा मैं नहीं करता, लोगों को मैं पसंद नहीं हूं, लोग जब मुझे छेड़ते हैं तब मैं रिबटल देता हूं, ले गए प्रिंसिपल वो VC से मिलवाने में, चलिए मेरा किताब भी दिलवा दिए, 2000 रुपया भी बर्बाद चला गया मेरा। वहां हमारे मित्र हैं साउथ कैंपस डायरेक्टर, अभी चेयर पे बैठने के बाद सब लोग सिस्टम ये हो जाता है, वो भी बैठे हुए थे, मुलाकात हुई, सब बातें पता है, लेकिन न छुट्टी मिलेगा ना प्रवीण, व्हाट इज दिस,
कैन यू एक्सप्लेन? नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं किसी लड़की को अगर आप पूछे ये कौन लड़का आपको कैसे देख रहा है तो सिर्फ उसके साइड से वो बता सकती है कि उसके नजर में क्या है, वो शराफत की नजर है या बदमाशी की नजर है। उसी तरीके से एट्रोसिटी क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मेमोरेंडम देकर नहीं होता है। ये दिमाग में चलता रहता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना, थैंकफुली आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, दिमाग में जो चलता रहता है वो हम सब समझते हैं। मतलब व्हाट आई एम राइटिंग इट इज फॉर द पब्लिक कंजम्पशन, पब्लिक कंजम्पशन नहीं। जब मैं किताब लिखता हूं या आर्टिकल लिखता हूं तो अपने लिए तिजोरी में बंद करके थोड़ी लिखता हूं, तिजोरी में बंद करने के लिए थोड़ी लिखता हूं। जब मेरे ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट केस लगा, मैं राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, मैं मिला पुलिस कमिश्नर से मिला, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनेगा। और देखो जो भी हो मेरी गिरफ्तारी हुई हुई, मैं कहां झुका, करो गिरफ्तार। लेकिन वहीं पे नूपुर शर्मा इतना आग लगाने वाला लेक्चर देती है और बोलती है और उसको पुलिस प्रोटेक्शन में अभी भी। तो कायर व्यवस्था है ना, कायर सरकार है और कायर सरकार का मीडिएटर हर जगह कहीं प्रिंसिपल के रूप में, कहीं डायरेक्टर के रूप में इस तरह हर जगह काम कर रहा है। आप जाके देखो, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं इलीट कॉलेज है सो कॉल्ड, मेरी किताब है जाके अमेजन पर टाइप कीजिए फटफट सब आ जाएंगे, मेरे आर्टिकल्स हैं हिंदी के टॉप मैगजीन्स में छपे होंगे, भारत का जो लीडिंग मैगजीन है सब में छपा। हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल बनी है, जाकर एक मुझे किताब दिखा दो उसका किस बेसिस पे प्रिंसिपल बनी है, एक रिसर्च पेपर दिखा दो। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, मैं मुंह में बोलता हूं, आज तक उस हाई कोर्ट से टर्मिनेट हुई। मतलब योर मेरिट माय फुट, इतने लड़के इतने विपरीत परिस्थिति में रह गया, हम लोग लिख पढ़ बोल रहे हैं, स्पून सिल्वर स्पून लेके तुम पैदा हुए हो, सारी कायनात तुमको बचाने में लगी हुई, हमारे कॉलेज के बड़े बड़े लॉयर्स और कई कैबिनेट मिनिस्टर तुम्हारे साथ हैं, उल्टा सीधा सब कहां कहां मैनेज हो रहा है और मैं अकेला आदमी तुमसे लग रहा हूं। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी विपरीत कंडीशन में कभी गिव अप मत कीजिए, कभी गिव अप मत कीजिए। मुझे पता है कि दो ही रास्ते हैं, मेरे यहां बहुत सारे दलित समाज के एससी एसटी ओबीसी प्रोफेसर, पूरे यूनिवर्सिटी में बहुत होगा, हर जगह होगा, किसी का नाम भी आपको नहीं पता होगा कि कौन है, क्या पढ़ाता है, कुछ लिखा भी है, कुछ पढ़ा भी है, कुछ रेसिस्टेंस, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, कुछ एनवायरमेंट का एक्टिविस्ट हो, कुछ भी हो। सवाल यह है, उस प्रिंसिपल का कोई एकेडमिक क्रेडेंशियल नहीं है, एंड शी वाज रिस्टोर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आरटीआई में जवाब मांग रहे हैं, तुम्हारी किताब क्या है, क्या फॉर्म भरे हो, दिखाओ पॉइंट कहां से लाए हो 400। वहां जो सेंट्रल कमीशन है इंफॉर्मेशन वाला, वहां भी मैनेज कर लेता है, अभी भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है और वहां भी छुपा के नहीं, दिस इज प्राइवेट। अरे प्राइवेट कैसा है यार, तुम पब्लिक मनी ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, अगर हम लिख रहे हैं नोबेल प्राइज के लिए तो भाई नोबेल प्राइज तो देख के किताब मिलेगा ना, पढ़ के, बुकर प्राइज देख के मिलेगा ना, ये कैसा प्रोफेसर और प्रिंसिपल है जिसकी किताब ही पता नहीं। ये हाल है इस यूनिवर्सिटी का, कहीं आपकी सुनवाई नहीं, कहीं मैं तो कह रहा हूं ना मुंह पे कह रहा हूं, वाइस चांसलर सामने आएंगे उनको भी मुंह पे बोल दूंगा, अल्टीमेटली क्या करेंगे आप, छुट्टी नहीं दे रहे। एक टीचर को पढ़ने के लिए लिखने के लिए छुट्टी नहीं मिले, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है कि? इससे ज्यादा शर्मनाक हो सकता है? दुनिया के किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाकर देखिए मेरी किताबें मिलेंगी, वहां मिलेंगी, काशी प्रसाद जायसवाल द मेकिंग ऑफ अ नेशनल हिस्टोरियन, और इसके लिए छुट्टी नहीं मिलता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, या तो सरेंडर करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, और नहीं तो एक बार सीधा चिट्ठी लिखेंगे कि भैया इस तारीख से मैं छुट्टी से हूं, तुमको जो करना है कर लो, इस तारीख से छुट्टी पर जाऊंगा।
ऐसी बात नहीं कि नेता नहीं जानते, मिनिस्टर नहीं जानते, वाइस चांसलर नहीं जानते, सब लोग जानते हैं इस बात। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? दो ही ऑप्शन है, एक तो लीगल बैटल लड़ेंगे जैसे लड़ना होगा, इनके सस्पेंशन और टर्मिनेशन से डरेंगे नहीं। जब तुम्हारी सरकार से नहीं डरे तो लीगल सस्पेंशन टर्मिनेशन क्या होता है? करना है कर दो। मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए बताया है कि देखिए, मरे हुए आदमी को कोई नहीं मारता है, जो लिखने पढ़ने बोलने सवाल खड़े करने वाले लोग उसी के ऊपर अटैक होता है। और मैं यूनिवर्सिटी में यहां पर खड़े होकर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे जितने प्रोफेसर बने हमसे तो मेरिट पूछते हैं ना, मेरिट माई फुट, तुम अपना मेरिट दिखाओ। आधे जेल में रहेंगे अभी जितने प्रोफेसर बने, आधे सबका फॉर्म निकालो अपना अपना। मतलब मैं 10 साल लगता है किताब डेवलप करने में, एक एक साल एक आर्टिकल डेवलप करने में लगता है, और अभी प्रोफेसर बनने के चक्कर में एक ही साल में 10 आर्टिकल आ जा रहा है, एक ही साल में, नो फुटनोट्स, नो रेफरेंस, कथा छाप दिया, अब प्रोफेसर बन गया। कुछ लोग कहते हैं हमारे कॉलेज में, अभी कॉलेज के ही कथा सुना रहा हूं जरा से, आपकी भाषा ठीक नहीं है। थोड़ा एग्रेसिव हूं, एक्टिविस्ट हूं तो ठीक, एग्रेशन में ही बोलता हूं, लेकिन अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं। तो मैंने कहा कि विद्रोह की भाषा तो ऐसी ही होती है, मैं शहद खाकर भी बोलूंगा ना तो ऐसी निकलेगी भाषा। दोस्तों, ये सब नौजवान साथी यहां बैठे हुए हैं और सबके लिए है, चूंकि मेरे ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन हो सकता है क्योंकि मैं खास जाति में पैदा हुआ और मुझे गर्व है, मुझे फख्र है, नो रिग्रेट्स, नथिंग डूइंग। तुम्हारी मेरिट भी देखेंगे, तुम्हारी मेरिट भी देखेंगे। तो जब हमारे जब रिजर्वेशन आया था तो वहां पे कुछ सवाल उठ रहे थे हमारे कॉलेज में, 97 की बात कर रहा हूं, कि विद्या के मंदिर में विद्या सुई तो बनाए नहीं आ सक, अब विद्या का मंदिर लेके ढो रहे हो। जितने आर्ट क्राफ्ट हड़प्पा से लेके आगे तक सब कुछ है तो यहाँ के कामगार लोग ही नहीं तो बनाए, आपने तो बनाए नहीं, आपका जनऊ भी जो है ना किसी और ही ने बनाया, आप खाली पहनते और क्या बनाए है? क्या सर? तो मुझे लगता है समय हो गया। हाँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जो सोशल एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, ये कोई अमूर्त चीज नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल से हो सकता है, आपके कलीग के साथ हो सकता है, वाइस चांसलर के साथ हो सकता है। और मैंने तो सोच लिया है कि जब पुलिस भी तुम्हारा और कचहरी भी तुम्हारा, तो लिखने पढ़ने बोलने से तो नहीं रोक सकते हो ना। 10 साल मुकदमा ही चलेगा ना, 20 लड़ा हूं तो और लड़ लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रीढ़ झुकेगी नहीं, यही तो मेन लड़ाई है। अरे ये लोग भी आजकल बोल रहा है आंख नीचे डाउन, बोले भैया यही नहीं होगा। तो जब रिजर्वेशन आया था तो लोग कहते थे सरस्वती के मंदिर में, जब हम लोग एंट्री मारे तो हम बोले अच्छा सरस्वती पुत्रों दिखाओ तो क्या क्या काम किए हो। तो नहीं, गोली देने में सिर्फ जो है ना गोली देने में, अरे कंडीशन दोनों कंपेयर करो। पीपल लाइक अस हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट योर सिस्टम, द गवर्नमेंट, ऑल एजेंसीज, पुलिस। एक दो और एग्जांपल देकर मैं छोड़ देता हूं, वो ज्यादा बेहतर है ना, थोड़ा सब्सटेंशिएट करने में सहूलियत। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे पिताजी ने मेरे बचपन से लड़ना ही सिखाया, मेरे गुरुजी डीएन झा श्रीमाली वाला सवाल करो, और जब मेरी गिरफ्तारी हुई और बेल पे आया, श्रीमाली जी पहली बार आए, बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू, जो बोल दिया पीछे नहीं हटेंगे बोल दिया। अभी मुझे एक इन्विटेशन आया फरवरी में, 6 फरवरी को, और यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग जानते होंगे पिछले साल मुझे दिल्ली पुलिस मेरे से बहुत मोहब्बत है, वो मुझे ले गई है? लेकिन एक दिन से ज्यादा रोक नहीं पाई। अभी परसों 30,000 कोर्ट में ही मुझे लेक्चर देना है 1200 शिशुओं।
6 तारीख को ये अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन लंदन से इनविटेशन आता है कि अंबेडकर पे मुझे लेक्चर देना है। 7 तारीख को मैंने एनओसी के लिए अप्लाई किया। 1 महीना एनओसी लिखने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। द कॉलेज हैज नो ऑब्जेक्शन। 1 महीना बाद यह प्रिंसिपल का चिट्ठी आ रहा है, ये एनओसी। ऊपर जो लिखा हुआ है एनओसी लिखने के बावजूद, नीचे जो लिखा हुआ है मेरे पूरे केस का रेफरेंस है कि आई वाज अरेस्टेड ऑन सो एंड सो डेट, रिलीज ऑन बेल। ये लिखने का क्या मतलब? अगर मैं विदेश जा रहा हूं तो जो भी वीजा के लिए अप्लाई करता है सब पता है कि उसमें केस के बारे में ऑल डिटेल्स वीजा वाला मांगता है फॉर्म। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, उसकी बौद्धिक कंकाली, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी देखिए और कितना विंडिक्टिव है ये देखिए। इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी कहता हूं ना हिंदी में, उसको बौद्धिक कंगाली बोलते हैं। ये आता है लिखकर, ये एनओसी जाएगा ब्रिटिश हाई कमीशन। ब्रिटिश हाई कमीशन को तो मैं खुद कह रहा था कि यार मैं गिरफ्तार हुआ था, मेरे केस था, चल रहा है अभी, और उसके लिए मैंने हाई कोर्ट में ट्रैवल परमिशन के लिए अप्लाई भी किया हाई कोर्ट में। देखिए, इसलिए मैंने कहा गवर्नमेंट और ऑल एजेंसी, जब सारी कायनात, कुछ तो मेरे में दम है कि सब लगा हुआ है फिर भी हार नहीं रहे, इनसे हार ही नहीं रहे। अभी 4 मुकदमे चल रहे हाई कोर्ट दिल्ली, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली पुलिस का रिप्लाई सुनिए कोर्ट में कि श्री रतन लाल इज अ प्रोफेसर इन हिंदू कॉलेज एंड टीचिंग हिस्ट्री इन हिंदू कॉलेज फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स। He is also residing in Hindu college from past many years and has deep root in society. Thus, in view of above mentioned facts and circumstances, it is submitted that Shri Ratan Lal is no longer required for investigation in the case. In my case, no further investigation is required. No, court me de raha 30,000 court. इधर ब्रिटिश हाई कमीशन से आता है मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया है। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन दे रहा है डिटेल्स देने के बाद, एक जो रिलेवेंट पोर्शन है वो मैं सुना देता हूं। आवर ऑफिस हैव मेड ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू वेरीफाई द कोर्ट ऑर्डर बट द पुलिस डिपार्टमेंट हैव नॉट रिस्पॉन्डेड। सब इंस्पेक्टर की इतनी हैसियत है, तो मैंने आपको ताना बाना दिखाया कि कैसे पुलिस, होम मिनिस्ट्री, प्रिंसिपल, बाय चांसलर और सब हमारे दोस्त, दो एमपी हैं अभी, राकेश जी यहां के हैं, मनोज झा है उधर, कैसे पूरी कायनात साजिश करने में कैसे रहती है देख लीजिए। ये सोशल, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज की बात कर रहा हूं, कोई गांव की बात नहीं कर रहा। लंदन जाऊं या ना जाऊं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अक्रॉस द ग्लोब लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं, 60,000 लोग रोज मुझे सुनते हैं, 10,000 घंटे रोज लोग मुझे सुनते हैं। आई डोंट केयर, लेकिन आई हैव टू फाइट बैक। मुझे दिल्ली पुलिस के खिलाफ केस करना होगा ना। 1 साल होने को है, तुमने चार्जशीट क्यों नहीं दायर किया? 90 दिन में दायर करना होता है ना, किसके इशारे पर? तो जो प्रिंसिपल एनएसओ में लिख रही है कि मेरे केस का रेफरेंस दे रही है, पुलिस नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बनता है? इसलिए मैंने पहले कहा कि गांधी से अंबेडकर ने कहा था, मिस्टर गांधी आई हैव नो होमलैंड, एट दिस स्टेज वी कैन से वी हैव हाफ होमलैंड। कॉन्स्टिट्यूशन है, थ्योरेटिकल आजादी है, लेकिन प्रैक्टिस में मूंछ रखने से भी ना आपके बहुत ही माथे में दिक्कत है। ठीक, मूंछ रखने से भी माथे में दिक्कत है, उसके क्या रास्ते हो सकते हैं? रास्ते दो हैं, एक तो अदालत का रास्ता है, सब लोग नहीं लड़ सकता, ये भी फैक्ट है। हमारे जैसे लोग तो अब तो इतना हड्डी मजबूत हो गया है, बचपन से लड़ते लड़ते प्रोफेशनल लोग हैं, मुझे पता है कि अगला ये केस होने वाला है। मैंने आपकी भावनाओं का ठेका नहीं लिया है, आपकी भावना भावना
और मेरी भावना कुछ नहीं, इस तरह टॉर्चर कर रहे हो। तो सवाल वही है ना कि टॉर्चर होंगे तब हम वापस दे देते हैं, लो टॉर्चर फिर वापस दे, फिर दो मुकदमे होंगे। तो एक तो अदालत का रास्ता है, दूसरा है पब्लिक डोमेन, पब्लिक में छुपा के मत रखिए, फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए। मैं अपने प्रिंसिपल भाई चांसलर सबके बारे में बोल रहा हूं ना, पब्लिक में ह्यूमिलिएट कीजिए, बोलिए कि फ्रॉड सर है, इसका कोई मेरिट नहीं, सब लीगल काम कर रहा है, कैसे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट ह्यूमिलिएट दे, तब जो है ना लास्ट शर्म आएगी ना, तो कम से कम कानून के हिसाब से काम करना शुरू करें, लास्ट शर्म आनी चाहिए। और कम से कम ये समझिए भाई, यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल इज आवर कलीग, नॉट SHO एंड वी आर कॉन्स्टेबल, वाई चांसलर इज आवर कलीग, ही और शी मे बी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट आवर बॉस। ये हमारा प्रोटोकॉल है, हम न तो नॉर्थ गजेट है न गजेट है, वी आर जस्ट अबव द गजेट, वी डोंट हैव एनी प्रोटोकॉल। इफ वी मीट प्राइम मिनिस्टर देन वी विल से हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मुझे खड़ा होके झुक के सलाम करने की जरूरत नहीं है। और आजकल छोटा छोटा प्रिंसिपल भी मोदी बना तो ये बातें तो पब्लिक में जाएंगे, रोज बोलता हूं मैं, पब्लिक में बोलो कि कुंजी लिख के प्रिंसिपल और प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, कुंजी कुंजी समझ रहे, कुंजी आप तुम मुझे गलत प्रूफ करो, अपना फॉर्म दिखाओ मुझे, गलत प्रूफ करो मुझे, फॉर्म दिखाओ। तो ये सोचिए अगर मेरे जैसा, ये सब क्यों कहानी मैंने सुनाई, 5 साल से छुट्टी नहीं है, 10 किताबें, 14 आर्टिकल, इतने सारे लेक्चर ग्लोबली, अगर मैं किसी दूसरे मुल्क में होता किसी कॉलेज में पढ़ाता होता, तो उस इंस्टीट्यूशन के लिए मैं एसेट होता, उस इंस्टीट्यूशन के लिए एसेट होता, इसलिए मैंने कहा हाफ हूं मैं। लेकिन यहां पर देखिए, किताब लिखने के लिए छुट्टी नहीं, तरह तरह के लीलाओं और केस में फंसाया जाता है, और आजकल ज्यादातर प्रिंसिपल की दिलचस्पी कंस्ट्रक्शन में, एकेडमिक वर्क में नहीं, कंस्ट्रक्शन में। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में माय पॉइंट हियर इज कि डोंट गिव अप। और अंबेडकर पढ़ के मैंने ये सीखा है, कम से कम सामने जितने से बड़ा तानाशाह हाउ डेयर यू, ये कहना सीखिए। शुक्रिया, जय हिंद।